Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum, students. I am your teacher Ali Abdul Zaidi for Computer 2114 database systems on the behalf of University of Education Lahore with lecture number 20. Students, in previous lecture, we discussed different types of queries, sub queries, like single row sub query. मल्टीपल रो सब क्यूरी एंड मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी स्टूडेंट्स हमने देखा था सब क्यूरी को हम यूज़ क्यों करते हैं वट इज़ द पर्पज ऑफ दिस सब क्यूरी इनसाइड सब क्यूरी क्या होता है नेस्टड का डिफरेंट मीनिंग्स हमने देखे थे एंड थ्री टाइप्स ऑफ सब क्यूरीज को हमने विद एक्सप्लेशन स्टडी किया स्टूडेंट्स सिंगल रो सब क्योरी में हमने देखा था कई टू टर्म्स सिंपल वन रो सिंगल रो एंड मल्टीपल रो सब क्यूरी रिटर्न मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम सबक्यूरी रिटर्न मल्टीपल कॉलम्स स्टूडेंट्स एन अदर टॉपिक जो हमने अभी डिस्कस करना है दिस इज एसक्यूल ज्वाइंस टू थिंग्स वन इज़ सब क्यूरी ये भी हमारे पास रिटर्न कर रही हैं रोज कॉलम्स कहीं पे सिंगल एंड समाइम मल्टीपल विद केयर एंड टू डेज लेक्चर एस्कुल जॉइन एस्कुल जॉइन स्टूडेंट्स इट करस्प टू अ जॉइन ऑपरेशन इन रिलेशनल एल्ज्रा स्टूडेंट्स, बेसिक परपज ऑफ एस्कुल जॉइन इज टू कम्बाइन कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इनलेनल डाटा बेस इट क्रिएट्स अ सेट दैट कैन बी सेव्ड एज अ टेबल और यूज्ड एज इट इज स्टूडेंट्स आर जॉइन इज़ अ मीनस फॉर कंबाइनिंग कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स बाय यूजिंग वैल्यूज कॉमन टू ईच इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जॉइंस हैं वो देखेंगे लाइक इनर जॉइन लेफ्ट जो आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन फुल आउटर जॉइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस इसके अलावा हम एक और इसमें नेक्स्ट टॉपिक भी जो है वो सेट ऑपरेशन देखेंगे आज के लेक्चर में तो स्टूडेंट्स ये एक स्पेशल केस है हमारे पास जो कि ज्वाइन हमने इसमें जो रीड uh, करना है एंड प्रोग्रामर डिक्लेयर ज्वाइन स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई रो फॉर जॉनिंग इफ द इवेल्यूएटिड प्रोडिकेट इज टू द कंबाइंड रो इज देन प्रोड्यूस्ड इन द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट अ रो सेट और अ टेम्पोरे टेबल सो लेट सी द इंट्रोडक्शन इट मीन्स फॉर मर्जिंग फील्ड्स जैसे अभी मैंने बताया फ्रॉम टू टेबल्स बाई यूजिंग वैल्यूज कॉमन टू ईच एंड एस्क्यूल जॉइंस कंडीशन इज अ पार्ट ऑफ द एस्क्यूल केरी दैट फैच और रिटाइफ रोज और डेटा फ्राम टू और मोर टेबल्स दो टेबल्स पर हम काम करेंगे और उनमें जॉइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स इसके इसके कॉलम्स को कि हम टेबल uh, वन है उसमें टेबल टू के कुछ कॉलम्स को मर्ज करना चाह रहे हैं ज्वाइन करना चाह रहे हैं या टेबल टू से टेबल वन के कुछ कॉलम को आपस में एड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे बाई यूजिंग एस्क्यूल जॉइंस सो द रेक फ्राम द टेबल्स आर फर्स्ट बेस्ड ऑन सम वेल्यूज दैट आर कॉमन टू ईच स्टूडेंट्स एस्क्यूल जॉइंस यू कैन सी द पिक्चर इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन फुल जॉइन सेफ्ट जॉइन कार्ट इज इन प्रोडक्ट जॉइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन हम आज डिस्कस करेंगे बेसिकली हम एस्कुल जॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं उनकी मेन कैटेगरीज थ्री हैं इनर आउटर एंड क्रॉस इनर को सबसे पहले हम देखते हैं एजकल जॉइन well, में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इनर ज्वाइन को uh, देखें कि इनर जॉइन एक्चुअली काम किस तरह से कर रहा है स्टूडेंट हर स्लाइड में आप इसकी पिक्चर देखेंगे ताकि सिंपली आपको ये इन, जो इसकी पिक्चर से ही सिंपल आपको ज्वाइन का जो है वो uh, अंदाज़ा हो जाना चाहिए यू कैन सी इन द पिक्चर टेबल वन एंड टेबल टू टू सर्कल्स और हेयर टू सर्कल्स यू कैन सी स्टूडेंट्स एस्किल जॉइन स्टूडेंट्स एसकल जॉइन में हमारे पास सबसे पहले इनर जॉइन है जिसमें हम देखते हैं कि इट रिटर्न्स ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट मैच इन बोथ द टेबल्स अब स्टूडेंट्स दोनों में कौन कौन से मैच हो रहे हैं दो टेबल्स हैं हमारे पास टेबल वन है टेबल टू है दो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो मैच हो गए हैं दोनों में वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी आप देख सकते हैं कि दोनों के सिम सिर्फ जो सेम uh, जो रिकॉर्ड्स हैं वो जो मैच हो रहे हैं कॉमन जो हैं जस्ट वो रिटर्न हो रहे हैं इसकी क्योरी सिंपल से है सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल वन इनर जॉइन यू कैन सी सेम कीवर्ड इज़ हेर इनर जॉइन टेबल टू टेबल वन को सिलेक्ट करें टेबल टू को सेलेक्ट करें एंड इनर ज्वाइन क्या करें ऑन टेबल वन कॉलम वन इक्वल टू टेबल टू कॉलम वन मीन्स टेबल वन का के अंदर जो कॉलम वन है एंड टेबल टू के अंदर जो कॉलम टू कॉलम है उनके जो सेम ड हैं या सेम जो आ, मैच हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर दें आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिंपल क्योरी है और एस्ल जॉइन में हमने ये ये जो अभी जैसे भी हमने बात की है कि जो जॉइन हमने किया है इनर जॉइन किया है दो टेबल ये एक हमारे पास पहला ये टेबल है और लाइक कंट्री स्टेटस नाम का रिलेशन है और इसमें हमारे पास सिंपल तीन रिकॉर्ड्स हैं प्रोडक्ट आईडी को आप देख सकते हैं वन टू एंड थ्री एक और अभी रिलेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें फिर सिंपल दो रिकॉर्ड्स होंगे चार या पांच रिकॉर्ड्स अगर होंगे तो उनको किस तरह से मैच करना है तो इस जो हम भी हमने देखा कि इनर जॉइन के अंदर दो टेबल्स हमने लिए और उनको मैच किया सेलेक्ट इस डायरेक्ट फ्राम कंट्री स्टेटस कंट्री स्टेटस हमारे पास जो है वो आ, टेबल है इनर जॉइन विद प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एक अलग से हमारे पास एक टेबल है ऑन कंट्री स्टेटस प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट्स का टेबल क्या प्रोडक्ट आईडी अब स्टूडेंट्स दो टेबल हमारे पास थे जो कंट्री स्टेटस एंड प्रोडक्ट उनके अंदर दोनों के अंदर एक कॉलम जो है वो मैच सेम था यानी प्रोडक्ट आईडी आप देख सकते हैं जो सिलेक्टेड है प्रोडक्ट आईडी दोनों में सेम था इनको मैच कर देना है तो इन दोनों को हमने रिटर्न मैच किया सेकेंड में स्टूडेंट्स आउटर जॉइन मीन हमने अभी सेकेंड टाइप ऑफ जॉइन हमने देख रही हैं कि इनर जॉइन के बाद हमने आउटर ज्वाइन आउटर जॉइन की स्टूडेंट्स फर्दर तीन टाइप्स हैं इनर ज्वाइन एक पार्ट एंड सेकेंड पार्ट था आउटर ज्वाइन आउटर ज्वाइन में हमने फर्दर थ्री टाइप्स को जो है रीड करना है स्टडी करना है वन इज़ राइट आउटर जॉइन सेकेंड इज़ लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड थर्ड इज़ फुल आउटर जॉइन जो भी हमने इंट्रोडक्शन में एक सिंपल से पिक्चर में देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन लेट सी राइट आउट जॉइन अब फ्रेंड्स आप इसको देख सकते हैं इनके डिफरेंट सिंपल एक जो पिक्चर आपको डाइग्राम फिगर नजर आ रही है उसी में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि राइट आउट जॉइन राइट साइड पर जो सर्कल है वह आपको ज्वाइन नजर आ रहा है मीन्स फील्ड मीन ज्वाइन नजर आ रहा है हम देखते हैं कि राइट आउटर जॉइन रिटर्न ऑल रेक तो रेकर्ड्स फ्राम राइट टेबल अर्न फ्राम लेफ्ट टेबल रिटर्न ओनली मैस्ट रेकर्ड्स तो स्टूडेंट्स हमने मैस्ट टेबल्स जो हैं यानी टेबल टू के जो है वो हम ले लेंगे इसके सिंपल क्योरी आप देख सकते हैं सिंटेक्स ऑफ क्योरी सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल वन राइट आउटर जॉइन सेम की वर्ड हम राइड करेंगे जैसे हमने इनर जॉइन में राइड किया था इनर जॉइन या राइट आउटर जॉइन या लेफ्ट आउटर जॉइन हम सेम वर्ड राइड कर देंगे राइट आउटर जॉइन विथ टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम वन इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम वन टेबल वन एंड टेबल टू के जो कॉलम्स हैं उनके जो सेम रेकर्ड्स हैं यानी जो मैस्ड रेकर्ड्स हैं उनको हमने ज्वाइन कर देना है और ये राइट right, स्टूडेंट्स आपने बार बार जहन में रखना है कि राइट right ज्वाइन करना है आप इसकी फिगर में भी देख रहे हैं कि टेबल टू इस वक्त राइट पर है और जो राइट right साइड पे होगा वो हमने उसके साथ उसको ज्वाइन कर देना है जी देख लें जी सेलेक्ट स्टैरिक फ्राम कंट्री स्टेटस हम कंट्री स्टेटस का टेबल लेकर चल रहे हैं राइट आउटर जॉइन विद प्रोडक्ट्स दो टेबल्स हमने ज्वाइन करने हैं कंट्री स्टेटस एंड प्रोडक्ट्स ऑन कंट्री स्टेटस डॉट प्रोडक्ट आई डी एंड प्रोडक्ट्स डॉट इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आई डी प्रोडक्ट एंड कंट्री स्टेटस हमारे दो रिलेशन हैं जिनमें प्रोडक्ट आई डी इज़ द सेम कॉलम नेम हमने इनको ज्वाइन कर दिया अब आप देख सकते हैं कि हम जैसे हमने इनर जॉइन में हम करके आए थे उसी तरह अभी हम आउटर जो हमारा इन जो राइट आउटर जॉइन है उसमें हमने राइट साइड पे हमने इसको जॉइन कर दिया इसी तरह लेफ्ट साइड को देखें स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे कि लेफ़्ट में किस तरह से ज्वाइन करते हैं यानी ये जो हमारा टेबल बैक करके मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि ये हमने राइट क्योंकि राइट टेबल जो था वो हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल था वो हमने उसके अंदर जॉइन किया उसकी सिर्फ तीन रोज़ थी और अब हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट है लेफ़्ट टेबल वन है जो कि कंट्री साइड का है उसकी तीन रोज़ नहीं है बल्कि उसकी आठ से दस रोज़ हैं अभी मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में दिखा देती हूँ तो उसमें आप देखेंगे कि हम अब हमारा जो साइड का टेबल है उसमें हम दूसरे टेबल को टेबल टू को ज्वाइन करेंगे जो उसके मेस्ट फिगर्स हैं और बाकी जो फिगर बच जाएंगे लाइक like मैंने आपको कहा कि टेबल वन जो है उसकी रोज़ टेन है और टेबल टू जो है उसकी रोज़ थ्री हैं अब हमने क्योंकि टेबल वन को ज्वाइन करवाना है तो टेबल इट मीन्स के जो टेंट रोज हैं वो तो ज्वाइन जाएं हो जाएंगी बाकी टेबल टू की कहाँ जाएंगी वो नल शो कर देंगे सो लेट्स सी लेफ्ट आउटर जॉइन द रिटर्न ऑल रैक फ्रॉम लेफ्ट टेबल लेफ्ट की बात हो रही है एंड फ्राम राइट टेबल रिटर्न ओनली मैस्ड रेकर्ड्स टेबल वन पूरा होगा बट टेबल टू में जो मैस्ड रेकर्ड्स होंगे वो अटैच हो जाएंगे वो मैच वो साथ हम रिटर्न कर देंगे उसको सिंटेक्स इसका भी एज इट इज़ है सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल वन लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम वन इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम टू स्टूडेंट्स आपको इन क्योरीज को अच्छे से याद करना है ताकि हम जस्ट जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको क्योरीज आनी चाहिए सो so, Uh, इसी सिंटेक्स के अंदर अपनी क्यूरी फिट करते हैं टेबल जहाँ पे हमारा टेबल वन था टेबल टू था हम वहाँ पे अपने टेबल्स के नाम राइट कर देते हैं स्लेक्ट स्टेरिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल है जी हमारा कंट्री स्टेटस एंड लेफ्ट आउटर जॉइन कर रहे हैं हम पहले हमने राइट आउटर जॉइन किया था अब हम लेफ्ट आउटर जॉइन कर रहे हैं लेफ्ट आउटर जॉइन विद सेकेंड टेबल टेबल टू कौन सा हमारा प्रोडक्ट्स का फर्स्ट टेबल हमारा है कंट्री स्टेटस सेकेंड टेबल हमारा है प्रोडक्ट्स तो हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया प्रोडक्ट्स को ऑन कंट्री स्टेटस मीन टेबल वन डॉट कॉलम वन टेबल वन हमारा कंट्री स्टेटस डॉट कॉलम वन इज प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू टेबल टू टेबल टू हमारा है प्रोडक्ट्स एंड इसकी जो कॉलम वन है डॉट प्रोडक्ट आईडी है अब आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट कि हमने क्योंकि हम लेफ़्ट जॉइन कर रहे थे तो लेफ़्ट पे हमारा जो टेबल uh, था वो हमारे पास टेबल वन था और टेबल वन की टेन रोज जो हैं वो जॉइन हो चुकी हैं और जो टेबल टू है उसके सिर्फ मेस्ट आइटम्स ही ज्वाइन होंगे तो वो वन टू थ्री थे तो इस तरह से बाकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि लाइट से डिम आपको नज़र आ रही है जहाँ पे नल शो हो रहा है तो बाकी वैल्यूज़ हम इसको नल में फिल कर देंगे इस तरह से हमने ये लेफ्ट आउटर जॉइन जो है वो कंप्लीट किया अच्छा अब फुल आउटर जॉइन जो हमारी थर्ड फॉर्म uh, है आउटर uh, जॉइन की इनर जॉइन तो सिंपल हमने एक ही पढ़ा था ले, जो हमारा आउटर जॉइन है उसमें हमने तीन टाइप्स पढ़ी हैं तो उसमें आ, एक राइट पढ़ ली है हमने और एक लेफ्ट पढ़ी है और थर्ड हमारी है फुल आउटर जॉइन अब फुल में स्टूडेंट्स आप फिगर को देख लें सिंपल फिगर को देख के हमें फील हो जाता है कि जो दोनों चीज़ें हैं दोनों जो हमारे पास आ, टेबल्स हैं हम उनको जॉइन करेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन दोनों को ए, आ, आप कह सकते हैं कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट जॉइन एंड लेफ़्ट आउटर join सो फुल आउटर join combines लेफ्ट आउटर join एंड राइट आउटर join this join returns ऑल record रोज from बोथ the tables अब दोनों टेबल्स को मैच करना है अब चाहे जितने भी आपके पास जो हैं वो फिगर्स हैं लाइक आपके पास टेबल वन के टेन रोज हैं और टेबल टू की भी टेन रोज हैं तो वो सेम मैच हो जाएंगी लेकिन अगर टेबल वन की हमारे पास जो अब जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं वो टेबल वन टेन पे है और टेबल टू की जो रोज़ हैं वो थ्री हैं हम उन दोनों को ज्वाइन करेंगे जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उनको नल शो करेंगे जैसे हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन में किया अब लेफ्ट आउटर जॉइन में तो हमारा पर्पज़ ये था कि लेफ्ट कंप्लीट हो और राइट में सिर्फ मैचड हो अब राइट में मैच जो थी वो थी ही सिर्फ तीन इसलिए बाकी नल थे लेकिन इधर हमारे पास अभी भी यही टेबल शो कर रहा है कि हमारे पास उसमें तीन है लेकिन हमने क्योंकि दोनों को कंबाइन कर देना है तो आप देख सकते हैं इसकी सिंपल पैरास देखें सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल वन फुल आउटर जॉइन अब यहाँ पे आपको राइट आउटर जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन राइट करने की जरूरत नहीं है आप सिंपल राइट करेंगे फुल आउटर जॉइन और इट मीन्स फुल जैसे ही वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों को हमने जॉइन करना है सो सेलेक्ट दैरिक फ्राम टेबल वन फुल आउटर जॉइन टेबल टू ऑन अब ये वही uh, uh, जो इस पर हमारी थ्योरी चल रही है पहले से टेबल वन डॉट कॉलम वन इक्वल टू टेबल टू डॉट कॉलम वन सो सी ही सिलेक्ट इस टेरिक फ्राम कंट्री स्टेटस कंट्री स्टेटस इज द टेबल वन फुल आउटर जॉइन सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस आपको यहाँ नजर आ रहा है कि फुल आउटर जॉइन फुल आउटर जॉइन विद प्रोडक्ट्स यानी सेकेंड टेबल टेबल टू ऑन कंट्री स्टेड डॉट प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आई डी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल वही वाली स्टेटमेंट है जो अभी तक इनर जॉइन में लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन में हम करते आए हैं सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस शो हमारे पास इस क्यूरी में है वो है फुल आउटर जॉइन फुल के वर्ड का अब आप देखिए स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि फुल का मतलब ये है कि पहले टेबल वन जो है यानी आपका कंट्री स्टेटस उसको कम्प्लीटली हमने राइट किया मीन उसकी जो रो है कॉलम uh, है प्रोडक्ट आई फिर इंडिया दुबई यू एस ए अब ये तो हमारे पास एक टेबल था टेबल वन ये कंप्लीट हमने लिया बिकॉज हमने फुल कंबाइन करना है ना फुल फुल जॉइन करना है तो इसलिए हमने फुल टेबल लिया और सेकेंड टेबल हमारे पास है प्रोडक्ट्स का आप प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है और इसके अलावा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डेट है एक्सपायर डेट है और इन सेलेबल uh, है और प्राइस है ये हमारे पास जो पांच छः जो uh, इसके कॉलम्स थे हमने एक छः के छः कॉलम्स को भी इसके साथ ज्वाइन कर दिया मतलब एक ही टेबल इसका बना दिया ज्वाइन बनाया बट जो क्योंकि उसकी टेन रोज़ थी इसकी तीन रोज़ हैं थ्री uh, रोज हैं तो इसमें फिर बाकी हमने राइट आउटर जॉइन की तरह सॉरी लेफ्ट आउटर जॉइन की तरह इनको नल शो कर दिया ताकि हमारा पूरा दोनों टेबल्स जो हैं वो जॉइन हो जाए तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा uh, जो है ये जॉइन आउटर जॉइन की तीनों टाइप्स कंप्लीट होती हैं तीनों टाइप्स में राइट आउटर जॉइन लेफ्ट आउटर जॉइन एंड ये हमारे पास फुल आउटर जॉइन स्टूडेंट्स हमारे हमने क्योंकि तीन तरह के जॉइंस पढ़े हैं पहले हमने इनर जॉइन पढ़ा उसके बाद अब हमने आउटर ज्वाइन पढ़ा है आउटर जॉइन की तीनों टाइप्स थर्ड हमने बात की थी कि, कि एक क्रॉस ज्वाइन भी जो है वो हमने उसको डिस्कस करना है ओके स्टूडेंट्स क्रॉस ज्वाइन जो है रिटर्न रैकर्ड रोज दैट आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैकर्ड क्रॉस के वर्ड से ही आपको इसका मीनिंग पता चल रहा है कि दैट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैकर्ड्स नंबर

और okay, किसका पहले फिगर को आप देख सकते हैं कि टेबल वन में फोर रोज आपको नज़र आ रही हैं एंड टेबल टू में थ्री रोज आपको नज़र आ रही हैं पहले हम फिगर को देखते हैं देन हम इसके सिंटेक्स और क्यूरी की तरफ जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्रॉस जॉइन में सबसे पहला हमारा जो टेबल वन है टेबल वन की रो नंबर वन को सबसे पहले टेबल टू की रो नंबर वन से मल्टीप्लाई करें फिर अभी टेबल वन की फर्स्ट uh, रो को ही हमने पकड़ा हुआ है और वन से हमने टेबल टू की सेकंड uh, रो को मल्टीप्लाई किया फिर टेबल टू की थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया उसके बाद फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो से तीनों को सेकंड टेबल की तीनों रोज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम टेबल टू की सेकंड रो की तरफ आते हैं और सेकंड रो जो है सेकंड रो से टेबल टू की तमाम रोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे यानी टेबल टेबल टू की रो नंबर वन रो टू रो थ्री को टेबल वन की रो टू से मल्टीप्लाई किया उसके बाद फिर हमने टेबल वन की थर्ड रो को पकड़ा और उसको टेबल टू की तमाम रोज जितनी भी रोज हैं उससे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उनको कंप्लीट करने के बाद टेबल वन की रो नंबर फोर को पकड़ा और हमने टेबल टू के जितनी भी रोज़ हैं यानी जैसे भी हमें तीन है रोज नज़र आ रही है उनसे मल्टीप्लाई किया और इस तरह से हमारा क्रॉस जॉइन कंप्लीट हुआ इसके सिंपल सिंटेक्स स्टूडेंट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वन क्रॉस क्रॉस ज्वाइन टेबल टू मीन सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम तो आप अभी शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल वन टेबल टू के अंदर आपने क्रॉस जॉइन किया करना है तो हम सिंपल एक जो कि वर्ड है इसका क्रॉस जॉइन राइट करेंगे और टेबल वन और टेबल टू आपस में क्रॉस जॉइन हो जाएगा आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कंट्री स्टेटस क्रॉस जॉइन विद प्रोडक्ट्स अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि दोनों टेबल्स को हमने मल्टीप्लाई किया दो प्रोडक्ट आईडी आपको पता है कि टेन तक थे प्रोडक्ट आईडी डी टेन तक था ना तो उसको फिर हमने क्योंकि वन से पहले उधर उधर प्रोडक्ट जो कंट्री स्टेटस की टेन रोज थी एंड प्रोडक्ट्स की थ्री रोज़ थी तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये पूरा टेबल मैंने आपको यहाँ शो नहीं किया इसमें पहले वन से मतलब प्रोड जो हमारी प्रोडक्ट्स की फर्स्ट रो है उसको टेन की टेन आइटम्स के साथ मल्टीप्लाई किया फिर प्रोडक्ट्स की सेकेंड रो को टेन की टेन आइटम के साथ मल्टीप्लाई किया फिर प्रोडक्ट्स की थर्ड रो को टेन की टेन आइटम कंट्री स्टेटस से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से ये थर्टी रोज हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं ओके स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से तमाम जॉइंस जो तो हैं वो कंप्लीट हो गए क्रॉस जॉइन के बाद और इसकी हम सिंपल समरी जो है वो ले लेते हैं कि समरी हमारे पास हमने आज जो सारा पढ़ा है स्कूल जॉइन में वो हमने इनर जॉइन को पढ़ा आउटर जॉइन को पढ़ा आउटर जॉइन में फर्दर थ्री टाइप्स को पढ़ा लेफ्ट आउटर जॉइन राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने का, का इसका जो लास्ट है वो क्रॉस जो आउटर जॉइन है उसको रीड किया आई थिंक आपको ये तमाम जो जॉइंस हैं वो कंप्लीट समझ आ गए होंगे और स्टूडेंट्स आपको मैंने ये समरी में सिंपल सा एक फिगर दिखा दिए हैं कि इन सिंपल फिगर्स को देख के आप दे, बता सकते हैं कि लेफ्ट आउटर जॉइन कौन सा है राइट आउटर जॉइन कौन सा है फुल कौन सा जॉइन हो रहा है और इसमें हमारे पास जो मेस्ट फिगर्स हैं वो उनको किस तरह से कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं न्यू सेट ऑपरेशंस के साथ आई थिंक आपको ये तमाम के तमाम जो है वो क्लियर हो गए होंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़